सुपेला थाना क्षेत्र स्थित स्मृति नगर पुलिस चौकी से पेट्रोलिंग पर निकले एक आरक्षक पर सूर्या रेसिडेंसी के पास झगड़ा कर रहे युवकों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। पेट में चाकू लगने से आरक्षक सविंदर सिंह बेसुध होकर गिर गया। उसे तत्काल पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आरक्षक की हालत चिंताजनक बनी हुई है। स्मृति नगर पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर 4 आरोपियों प्रवीण विश्वाल उर्फ पाडू, एमन वीरू सोनकर व दीपक साहू को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले रात को करीब 11-12 के बीच के आसपास सूर्या मॉल के सामने कुछ लड़के आपस में झगड़ रहे थे, वहाँ पे पेट्रोलिंग गाड़ी पहुंची और उनको भगाया वहाँ से। और उसके बाद सूर्य रेसिडेंसी वाली जगह है एमजे कॉलेज के सामने, वहाँ पर ये लड़के फिर से झगड़ा कर रहे हैं, ऐसी सूचना लड़कों को मिली पुलिस वालों को, तो फिर मौके पे गए, उनको फिर बीच बचाव का प्रयास किया जाने लगा। उसी दौरान एक जो आरक्षक है शविंदर सिंह, उसको लोगों ने मतलब कुछ चाकू जैसे हथियार से उस पर वार किया था और उसके बाद वो लोग वहाँ से भाग गए। फिर इस मामले उक्त मामले में हमने एफआईआर किया हुआ है और उसके बाद फिर 4 लड़कों को अभी राउंड अप किया हुआ है, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। जो पूछताछ हुई है उसके मुताबिक अभी करीब 6 लड़के इसमें इन्वॉल्व थे। फिलहाल हमारे कस्टडी में दीपक सिंह, हेमंत राय, बीटू सोनकर और प्रवीण विश्वाल हैं। दरअसल इन जो लड़कों को लाया गया था उनके पीछे कुछ उनके परिवार के लोग थे, घेराव जैसी थी नहीं कि उन लोग मतलब उनके अपने घर वालों के साथ साथ लोग आए थे। जो चौकी में विवाद की बात कर रहे हैं, वो दरअसल अपने जो लड़के पकड़े गए थे उनके परिवार वाले उनके जान पहचान के लोगों से पीछे आए थे। सूर्या मॉल में जो घटना हुई थी उसके विषय में बहुत ऐसा आपस में वो लोग झगड़ रहे थे, उसका क्या विषय था अब तक हम जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जो पुलिस वाले ने बीच बचाव किया उस बीच उन लोगों को उसने गिरफ्तार किया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक्चुअली वो लड़का उस पुलिस वाला अकेले था और वो बाकी सब नशे में थे, और इस दौरान इस तरह की घटना हो जाती है और हम भी इन पे तगड़ी कार्रवाई करेंगे। दुर्ग भिलाई में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है ऐसा लग रहा है। कल रात की घटना को ही आप देख लीजिए, स्मृति नगर चौकी क्षेत्र में एक सूचना मिलती है पुलिस को कि कुछ लड़के आपस में विवाद कर रहे हैं। पुलिस विवाद को सुलझाने के लिए निकलती है और जैसे ही उन असामाजिक तत्व लड़कों के पास पहुंचती है, लड़के उल्टा प्राणघातक हमला कर देते हैं पुलिस वाले के ऊपर। पुलिस वाले के ऊपर उल्टा प्रहार करके उनको ही घायल कर दिया जा रहा है। ये घटना है स्मृति नगर चौकी की। कल रात में पेट्रोलिंग पार्टी गश्त पे निकली थी, जहाँ एक फाड़ू नाम के व्यक्ति ने और वीरू सोनकर जो कैंप 1 का निवासी है, जो जिनके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और कुछ अभी भी फरार है। वैसे पुलिस ने नाम सहित एफआईआर को दर्ज कर लिया है और प्रकरण में आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन पुलिस का आरोपियों के ऊपर पुलिस का जरा सा भी भय यहाँ नहीं है। दुर्ग जिला पुलिस को इस चीज़ पे अंकुश लगाना चाहिए। वैसे तो दुर्ग जिला पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है, आप जिस तरह से देखते हो, लेकिन यहाँ सिटी क्राइम को रोका नहीं जा सक रहा है, क्यों? ये सवालिया उंगली उठाते हैं पुलिस के ऊपर।